हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी गुलाब जामुन। तो सबसे पहले मैं एक पैन लूंगी ऑब्वियसली, फिर उसमें मैं मिल्क पाउडर, घी और दूध भी डालूंगी, जिसकी मैं एक भी बूंद नहीं छोड़ूंगी। चलो छोड़ो। और अब इन तीनों को मैं अच्छे से मिला दूंगी और सब मिल जाने के बाद मैं इस पैन को स्टोव के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगी। और हमें ये भी याद रखना है कि हमें इसे कंटिन्यूसली मिलाना है जब तक कि एक सॉफ्ट डो ना बन जाए। फिर हम एक बोल में, याद है ना, इस मिक्सर को मिलाना मत भूलना। फिर इस बोल में मैं 2 parts शुगर और 1 part पानी डालूंगी गुलाब जामुन का सिरप बनाने के लिए। अभी तक काफी मिलावट चल रही है। अब तक हमारा मिक्सर सॉफ्ट और स्मूथ डो बन चुका होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे मैं बाहर निकाल लूंगी और एक बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। और हाँ, ये लाल लाल मेरे ग्लव्स हैं जो मेरे हाथ को जलने से बचाएंगे। फिर हम इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और पानी डालेंगे। वैसे पानी की जगह यहाँ गुलाब जल का यूज होता है, पर वो मेरे पास था नहीं, मतलब गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं है। वाह। और मुझे पता है कि इस स्टेप को देख के काफी लोग बोर हो जाते हैं और कुछ तो वीडियो ही बंद कर देते हैं। प्लीज डोंट डू डैट। मुझसे ये जितना छोटा हो सके मैं उतना छोटा करके दिखाऊंगी। अब इस सिरप को चाहिए थोड़ी अटेंशन, तो इसे फ्लेवरिंग देने के लिए मैं इसमें इलायची पाउडर और केसर, हाँ केसर डालूंगी ताकि इस सिरप को थोड़ा रॉयल टच मिल सके। फिर मैं इन दोनों को मिक्स कर लूंगी। तो हम वापस आ जाते हैं अपने डो पर। और अब हम इस डो से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। जब आपके तन और मन अनुसार आपकी गेंदे बन जाएंगी, क्रिकेट वाली नहीं, तो हम इन्हें तलने के लिए तेल में डाल देंगे। As simple as that. A few minutes later. तो कुछ मिनट बाद हमारे गुलाब जामुन बस रेडी हो ही चुके हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें बस गरम सिरप में तलने के जस्ट बाद ही डुबोना है ताकि ये सारा सिरप आराम से पी सके। और अगले बैच के साथ भी यही करना है। और रुको, अभी हम इसे नहीं खा सकते, हमें इसे कम से कम कुछ घंटों के लिए सोख होने देना होगा। तो कुछ घंटों बाद हम इसे फाइनली खा सकते हैं। हाश। और एक एक गुलाब जामुन बहुत सुनहरा और शाइनी दिख रहा है। फिर हम इसके ऊपर और सिरप पोर करेंगे, इसके ऊपर और 4 चांद लगाने के लिए। और फाइनली हम इसे कुछ स्लाइस्ड आलमंड्स के साथ गार्निश करेंगे। तो हमारी मिनी गुलाब जामुन रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। और मैं यहाँ अपनी फालतू सिनेमेटिक शॉट की स्किल्स दिखाते हुए और इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी समाप्त होती है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अच्छा निकल गई। वैसे भी दिवाली के 1 हफ्ते बाद भी हम सब दी गई मिठाइयों को खाने में मस्त रहते हैं, झूठ मत बोलो, डोंट यू। तो बाहर से हमारे गुलाब जामुन का बहुत बढ़िया रंग आया है। और अगर मैं इन्हें अंदर से तोड़ के दिखाऊं, सॉरी रॉन्ग साइड, तो ये काफी मॉइस्ट और टेस्टी भी हैं, एकदम गुलाब जामुन की तरह ऑब्वियसली। मैं भी क्या। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सो मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।